ठीक है, तीरथ जी कहते हैं, तीरथ रावत जी कहते हैं गंगा में, गंगा मैया हम सबकी पावन है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि भगवान का नाम घर पे लेकर बैठो जब इतनी बड़ी महामारी आई है। इसमें सरकार को रोल प्ले करना चाहिए था कि इतना बड़ा एकत्र ना हो हुजूम, उसके चलते देखिए कितना बड़ा फैला है हरिद्वार में, कितने एक्टिव केसेस हरिद्वार में बारे, इसका दोषारोपण मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन इसकी जवाबदेही तो बनेगी ना अंजलि, सरकार में तो भाजपा है ना, हम तो नहीं है सरकार में। क्या इस देश की राजनीति और चुनावों के फैसले ने लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी कि अब तो बीमारी खत्म हो गई है? देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्री मैच्योर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट्स दिए। सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट मतलब हमने कहा कि हमारे वैक्सीन्स और वैक्सीन मैत्री हो रही है, हमारे वैक्सीन्स अच्छे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से चल रहा है, ये सेलिब्रेटरी नहीं है, यथार्थता। मगर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट फिर भी ठीक है, सैडिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये जो सैडिस्टिक स्टेटमेंट देकर ये कहीं ना कहीं हम जो वोट की राजनीति करना चाहते हैं ये भी उचित नहीं। दूसरी बात है, बार बार आपने कहा कि देखिए कुछ लोगों ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों ने उस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, चुनाव हो गए जिसके कारण से केसेस बढ़ गए। बिल्कुल सही है, केसेस बढ़े होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर आंकड़ों के साथ मैं बता दूं, आज विश्व का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर कहीं है तो वह है महाराष्ट्र का राज्य। महाराष्ट्र किसके द्वारा शासित है, क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आपने क्रिकेट मैच के बारे में गुजरात में तो बात कर ली, महाराष्ट्र में भी क्रिकेट मैच हुआ था, सरकार किसकी है? वहां वसूली में व्यस्त थे कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह कमाना है। अगर 100 करोड़ रुपए कमाने के बदले में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता, वही 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाता जो 100 करोड़ रुपए नेताओं के जेब में जा रहा था, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की हालत ठीक होती आज। नंबर टू, देखिए स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री की बात करके राहुल गांधी जी ने तंज कसा है, ये एडवाइस नहीं दिया है, तंज कसा है। अगर तंज कसने पे आ जाए, मुझे तो बुरा लग रहा है कि तंज कसना पड़ रहा है, तो स्टेज वन में कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए इससे पहले जो 2020 में कोरोना का पूरा प्रकोप फैला था, उसमें लगभग 2.5 लाख N95 मास्क का घोटाला, मास्क चोरी हुआ था जयपुर के एक अस्पताल में राजस्थान में। अब जब स्टेज टू हुआ है 2021 में 320 वैक्सीन चोरी हो गए हैं राजस्थान में, उसका घोटाला हो गया है। देखिए इसको आपदा को घोटाले में बदलना, एक आपदा में किस प्रकार से सब लोग एक दूसरे की मदद करें, उसको छोड़ करके यहां आपदा से घोटाला, आपदा में भी 320 वैक्सीन चोरी, 2.5 लाख N95 मास्क गायब, उसके पैसे कहां जा रहे हैं, बताइए इसका जवाब कौन देगा? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।